वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी टेस्ट क्या है, क्यों करवाया जाता है और इस टेस्ट का प्राइस कितना होता है, प्रोसीजर क्या होता है और कौन सी बीमारी का पता चलता है और कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या होता है, तो इसके ऊपर हम लोग डिटेल से जानेंगे। अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिए। सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी को हम तीन हिस्सों में बांट के देखते हैं, फिर अपने आप मतलब समझ जाएंगे इसका होता क्या है। पहला हिस्सा हो गया सीटी, जिसका मतलब हो गया कंप्यूटर टोमोग्राफी यानी कि एक प्रकार का सीटी स्कैन। दूसरा हिस्सा हो गया कोरोनरी, जो हमारे हार्ट के ब्लड वेजल्स को बोलते हैं हम कोरोनरी। और तीसरा हिस्सा हो गया एंजियोग्राफी। तो एंजियोग्राफी का मतलब हो गया एक प्रकार का ऐसा प्रोसीजर जो शरीर के किसी भी हिस्से में जो ब्लड वेजल्स होता है उसमें अगर किस प्रकार कोई बीमारी जैसे ब्लॉकेज वगैरह हो गया, स्कुरन हो गया, उसका पता लगाने के लिए जो टेस्ट किए जाते हैं उसको हम बोलते हैं एंजियोग्राफी। तो तीनों को यदि हम मिला दें तो इसका मतलब हो गया कि जो एक प्रकार का ऐसा टेस्ट जिसमें सीटी स्कैन का यूज करके जो हमारे हार्ट के जो ब्लड वेजल्स होता है उसमें जो है ब्लॉकेज का पता लगाया जा सके। तो ये एक प्रकार का ऐसा रेडियोलॉजिकल टेस्ट होता है जो हमारे जो हार्ट के जो ब्लड वेजल्स होते हैं यानी कि जो कोरोनरी आर्टरी होता है उसमें अगर किसी प्रकार का कोई ब्लॉकेज है तो उसका पता लगाने के लिए जो है ये टेस्ट किए जाते हैं कि ये कहीं नस जो हमारा जो है हार्ट का जो आर्टरी होता है उसमें कोई प्रकार का सिकुड़न तो नहीं है, कहीं ब्लॉकेज तो नहीं है, उसका पता लगाने के लिए जो है ये टेस्ट किए जाते हैं। तो जो हमारे जो कोरोनरी आर्टरी होती है उसमें अगर किसी प्रकार का कोई ब्लॉकेज हो जाए तो उसको हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज। यानी कि जो हमारे हार्ट के जो ब्लड सप्लाई करने वाले जो जो नसे होते हैं जिसको हम आर्टरी बोलते हैं, तो उसमें अगर किसी प्रकार का कोई सिकुड़न हो जाता है या किसी प्रकार का कोई ब्लॉकेज हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो जिसके वजह से क्या होगा कि हमारे हार्ट के जो मसल्स होगा तो उसको ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाएगा सही से। तो जब हमारे हार्ट के जो मसल्स होता है उसको यदि ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाएगा तो होता यह है कि फिर जो है हमारा वहां का टिश्यू जो है हार्ट का जो मसल्स होता है वो डैमेज हो जाएगा, जिसके वजह से हार्ट अटैक वगैरह और कार्डियक अरेस्ट वगैरह हो सकता है। तो जो बेसिकली जो है सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी टेस्ट का मकसद यही होता है कि हमारे हार्ट के जो कोरोनरी आर्टरी होता है उसमें अगर किसी प्रकार कोई ब्लॉकेज हो जाए तो उसको जो है पता लगाने के लिए टेस्ट किया जाता है। तो ये जो टेस्ट होता है ये एक प्रकार का नॉन सर्जिकल टेस्ट होता है, इसके लिए आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत नहीं है। ये किसी भी डायग्नोस्टिक सेंटर में जो होता है, रेडियोलॉजिकल डायग्नोस्टिक सेंटर होता है उसमें ये होता है, चाहे रेडियोलॉजी या चाहे कार्डियोलॉजी दोनों इस टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि इसमें होता यह है कि इसमें सीटी स्कैन की तरह ये टेस्ट होता है, इसमें जो है पेशेंट को जो है सीटी स्कैन के मशीन पे जो लेटा दिया जाता है और फिर लेटाने के बाद जो है इसको जो है पेशेंट को जो आर्टरी होता है जो हाथों के जो जैसे जिस तरह से जहां से जो है पेशेंट को जो है पानी चढ़ाया जाता है जिसको हम आईवी फ्लूइड बोलते हैं, तो वो चढ़ाया जाता है, सेम उसी प्रकार से जो है आईवी फ्लूइड की तरह पेशेंट को जो है एक स्पेशल डाई होता है जो कंट्रास्ट मीडियम का, वो उसके नसों के द्वारा जो आर्टरी के द्वारा अंदर शरीर के अंदर दिया जाता है। फिर वो जो डाई होता है वो हमारे जो आर्टरी होता है जो कोरोनरी आर्टरी होता है वहां पर पहुंच के फिर वो उसको जो है ताकि जो है उसको क्लियर इमेज मिल सके सीटी स्कैन के द्वारा, फिर जो है पेशेंट को जो है सीटी स्कैन मशीन को लटा करके और सीटी स्कैन मशीन ऑन किया जाता है। तो जो जिस तरह से सीटी स्कैन होता है सेम उसी प्रकार का ये भी एक मशीन होता है, बस इसमें अंतर ये होता है कि इसमें एक स्पेशल डाई यूज किया जाता है, पेशेंट को आर्टरी में दिया जाता है और फिर उससे जो है नसें जो है वो क्लियर दिखता है सीटी स्कैन में। लेकिन एक दूसरा टेस्ट होता है जो हमारे हार्ट के ब्लॉकेज का पता लगाया जाता है, उसको हम बोलते हैं कोरोनरी एंजियोग्राफी, या इसको हम बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं कैथ लैब में जो टेस्ट होता है कैथराइजेशन एंजियोग्राफी। तो उसमें वो होता है कि तार के थ्रू जो है पेशेंट को अंदर जो है हाथ के नसों के थ्रू या जो जांघ के नस होता है उसके थ्रू जो है एक तार घुसाया जाता है हार्ट तक ले जाया जाता है, फिर उस जो है जो कैथ जिसको ट्यूब होता है उस ट्यूब में फिर जो है स्पेशल डाई दिया इंजेक्ट किया जाता है, फिर पेशेंट को जो है एक एक्सरे लिया जाता है। सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी और जो कोरोनरी एंजियोग्राफी होता है दोनों टेस्ट में अंतर ये होता है कि जो सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी होता है उसमें पेशेंट को जो है एडमिट होने की या फिर जो है उसमें जो है ट्यूब जो है अंदर इंसर्ट नहीं किया जाता हाथ के थ्रू और डायरेक्ट हो जाता है। लेकिन जो एंजियोग्राफी टेस्ट होता है जो कोरोनरी एंजियोग्राफी टेस्ट होता है वो उसके लिए हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत पड़ती है और कार्डियोलॉजी के जो लॉजिस्ट होते हैं वहीं ये टेस्ट को परफॉर्म करते हैं और उसमें जो है आपको एडमिट होने की जरूरत पड़ सकती है। इस टेस्ट को करने के लिए आपको 4 से 6 घंटे के फास्टिंग जो है वो खाली पेट होना चाहिए ताकि आपका जो नस जो होता है वो सीटी स्कैन के द्वारा क्लियरली जो है उसमें इमेज में शो कर सके। और कुछ टेस्ट होते हैं जो करवाया जाता है टेस्ट से पहले, जैसे यूरिया और क्रिएटिनिन टेस्ट जो है ब्लड टेस्ट वो करवाया जाता है टेस्ट से पहले, इसका जो रिपोर्ट होता है वो नेक्स्ट डे या 24 घंटे के अंदर आपको मिल जाएगा और प्राइस जो होता है इसका 8,000 से 12,000 होता है, लेबोरेटरी वाइज भी चेंज हो सकता है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।